नॉक नॉक आप लोग कौन हो वॉक द टॉक आ जाओ हम फिल्मी ज्ञान से हैं ओह oh, फिल्मी ज्ञान से हो आ जाओ प्लीज अपना घर मत समझो आ जाओ विराज हैशटैग देने हैं आपको जिन जिन एक्टर्स के मैं नाम लेती हूं ओके okay, हैशटैग टू तो कियारा हैशटैग स्वीटेस्ट टू हार्दिक पांड्या हैशटैग ब्रदर टू uh, आलिया

नेक्स्ट सेगमेंट इज वॉट कियारा अडवाणी को जब पहली बार देखा तो कैसा लगा था मन में लड्डू फूटे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत होगा पर जरा भी एटीट्यूड नहीं था मुझे लगा मेरे ज़्यादा था। Uh, बहुत स्वीट थी इसलिए मैंने स्वीटेस्ट बोला है क्योंकि शी वाज वेरी स्वीट शी एक्चुअली मेड श्योर कि आई एम कंफर्टेबल और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सेट पे बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट फिल्म सो शी वाज वेरी स्वीट राज भाई कैन यू शेयर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट व्हिच हैपन वाइल यू कियारा एंड विक्की वाज शूटिंग टुगेदर कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपने नहीं बताया कुछ फनी uh, मोमेंट क्या हुआ था कि जब मूवी तो खत्म हो चुका था हमारा बट हम लोग फिर डिनर के लिए गए थे यहाँ पे जू में एक रेस्टोरेंट है बेरोट करके वहाँ पे गए थे हम लोग और तभी मेरे पास जो गाड़ी थी मेरे पास ड्राइवर नहीं था तो आई थिंक दैट दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे मुझे एक ड्राइवर चाहिए क्योंकि सब लोग सब खाना खा के बाहर निकल गए तो उसके बाद सब लोग अपना अपना ड्राइवर को बुला लिया था और मेरा मेरा वैले को वालों को बोला चाबी दो तो गाड़ी इधर ही अच्छा चलो ठीक है मैं गाड़ी में बैठा तो विकी का गाड़ी आना बाकी था और शशांक जो डायरेक्टर थे उसका गाड़ी आना बाकी था तो दे देआर ऑल नियर माय डोर लीनिंग सेंग चलो गुड बाय थैंक यू सो मच ये वो ये, वो मज़ा आया ऐसा करके और वो जो वैले वाले होते ना वो वैले वाले, वाले ऐसा था चलो सर थैंक यू सर गुड नाइट सर थैंक यू सर वो कर ही जा रहा था मैं बोला यार मेरे पास पैसा तो नहीं है uh, देखा वॉलेट में तो दो हज़ार रुपया था और पाँच का नोट था तो मेरा कैसे पाँच सौ रुपया दो वैले वाले को तो वो पाँच सौ रुपया दिया मैंने वैले वाले को

लाइक माई माई कॉन्टेंट कम्स आउट नाइसली ही मेक श्योर ही इज आई थिंक इज यंगर टू मी लाइक टू थ्री मंथ बट ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर वो वैन एवर आई एम अराउंड लक प्लीज थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे एन ऑल दिस थिंग्स यू नो ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड ही गिवज मी गुड एडवाइस लाइक इफ यू जेनवली नीड एडवाइस फ्रॉम हिम ही इज द प पर्सन लाइक लेजिट बहुत अच्छी बातें करता है बहुत अच्छे इंसान है एंड uh, दुनियादारी उसके उसको ब्रांड्स के बारे में उनको फर्स्ट कॉपीज़ के बारे में सब कुछ इतना पता है एंड इज सो मच वेल अवेयर ऑफ

अब बॉलीवुड में लीड का क्या सीन है? तब भी मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि अभी लोगों को पता चल जाए कि मेरा ये जो पहला मूवी था एज अ लीड बहुत अच्छा जा रहा है इट इज डूइंग इनक्रेडिबली वेल इन सिनेमास। आई थिंक बॉलीवुड फिल्म को एक स्क्रीन दिया जा रहा है हम, हमारे फिल्म को दो दो तीन तीन स्क्रीन दिया जा रहा है तो इट्स अगमोमेंट फॉर द रीजनल सिनेमा ऑल्सो

हर बार चुराते हो हर बार चुराता हूँ because इतनी महंगी हो गई अभी सारी होटल्स तो मैं कुछ तो वसूल करना पड़ेगा गुजराती हूँ <laughs> तो मेरा आराव होना ही चाहिए कभी ट्रेन में ट्रैवल करते समय किसी के अंडरअम्स गलती से सूंघ लिया हाँ हाँ ठीक <laughs> that द uh, the uh, that is where you that is the smell of struggle it's not uh, the smell of sweat it's the smell of struggle and I feel I'm privileged enough to

Sunday. Sunday. I think Sundays are not for taking bath. Uh, साबुन वाबुन तक... मेरे को पता भी नहीं था कि साबुन क्या होता था पर जब से उसका ही फोन आ रहा हूँ नॉट इनिंग क्या लाइफ है उसका <laughs> तो यार खाने में मक्खी गिरती है तो क्या करते हो आप? मक्खी निकाल देता हूँ खाना खा लेता हूँ इम्पोर्टेंट है, वेस्ट नहीं करना दूंगा क्या बात है कभी पब्लिक में डकार मारी है मेरे लाइफ में तब से मेरे को समझ में आ गया कि ये सारी चीजें कूल नहीं होती जब पापा करते थे सबके सामने ऐसा नहीं है कूल नहीं है एक बार डकार लेके बता दें आता ही नहीं है ये वाला सीन निकाल दो ऐसा बोल को ड्राइल किया है

पब्लिक में नाक में कभी उंगली मैं ये सब में नहीं करता इट्स नॉट गुडिकेट है प्लीज 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 मनामत करना प्लीज फाइन जनता की परेशानी है यह विराज hmm. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है सुन लेनाई गर्ल फ्रेंड

फिर वक्त फिर वो जब वापस सोवर होगी नेक्स्ट दिन तो उसको लगेगा हाँ यार हाँ, सही आइडिया था तो आई थिंक जो आपका प्रॉब्लम है वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा फिर धीरे धीरे एंड इफ यू रियली लाइक हर प्लीज़ मेक श्योर गो हैड एंड डू योर थिंग बट इफ यू आर स्टिल एंड श्योर मेक श्योर यू कन्वे दिस टू हर बिकॉज आई थिंक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट आपको लग बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस एंड आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा बात है नहीं बात कर सकते ऐसा नहीं दिस इज डिफिकल्ट डिफिकल थिंग्स समटाइम्स मेक्स इट वेरी इजी लाइक आपका लाइफ ईजी हो जाएगा आपका मैंटल हेल्थ ईजी हो जाएगा यू कम्यूनिकेट वेल मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा हमें बता दीजिए जमकुड़ी के बारे में विच इज रिलीज जिसको हर थिएटर में बहुत प्यार मिल mm. रहा है yes. मैंने देखा है आप पर्सनली जा रहे हैं हर थिएटर में टू मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग टू ऑडियंस पहले मुझे जर्नी के बारे में बताइए जमकुड़ी शूटिंग के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा एज ए लीड एंड उसके बाद मुझे बॉलीवुड के बारे में भी बताइए पहले आपका एक्सपीरियंस वर्किंग विद कियारा एंड विकी कौशल एंड व्हाट्स नेक्स्ट तो जमकुड़ी जब पहली बार मुझे बताई गई थी कि ऐसा कुछ फिल्म है मुझे जेनवन लगा एज ए क्रिएटर के ये तो फिल्म प्रमोट करने आए हैं ना ये मेरे पास ऐसे थोड़ी क्या मूवी देने आए है कि चलो ठीक है फिर वो लोग पूरा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे बोला यार प्रमोशन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे लोग कि मतलब बोल दो ना क्या करना कर लूँगा मैं फिर मालूम पड़ रहा कि ये लोग फिल्म ऑफर कर रहे हैं फिर मुझे लगा कि चलो बेस्ट फ्रेंड का ही रोल रहेगा फिर मुझे समझा कि नहीं ये तो मेन कैरेक्टर का रोल ऑफर कर रहे हैं मुझे मिला यार अरे तो थोड़ा टेंशन वाला बात हो गया दे आई मेड श्योर विद दम लाइक टू थ्री टाइम्स के रियली यू रियली वॉन्ट मी टू डू इट बोले नहीं यस येस दिस यू आर द पर्सन फॉर दिस वाओ देन वी है फॉर लॉर्ड ऑफ रीडिंग लॉर्ड ऑफ यू नो यर इन देर थिंग्स फिर जब शूटिंग चालू हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि फैमिली जैसा लगना चाहिए पूरा सेट कि मतलब चलो काम कर रहे हैं मज़ा आना चाहिए काम पर आने के लिए और यहाँ पर सब गुजराती बोल रहे तो मुझे लगा मैं घर पर शूट कर रहा हूँ मेरे सब कुछ अच्छा चल रहा था आई लर्न अ लॉट बिकॉज मेरे साथ जो भी एक्टर्स थे उजस रावल संजय गोरेडिया इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर मानसी पारिक जो प्रोड्यूसर भी है तो दे वर इनक्रेडिबली गुड विद देयर क्राफ्ट दे आर आर थियेटर आर्टिस्ट ऑल्सो फॉर मी इट वॉज लाइक अ न्यू थिंग बिकॉज गुजराती जो मुंबई में बोलते हैं और गुजराती जो गुजरात में बोलते हैं वेरी डिफरेंट फॉर मी इट वॉज लाइक हाउ डू आई फिट इन विद दिस बिग बिग लेजेंड्स अराउंड मी बट दे आर वेरी काइंड वेरी स्वीट एंड ऑफ द ट्रीटेड में लैक अ बेबी ऑन सेट एंड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो देश टू टेल मी कि ये इसको ऐसा करेगा तो अच्छा लगेगा इसको ये करेगा तो अच्छा पिच जाएगा सो य इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड नाउ इज डूइंग इन क्रेडिबली वेर इन सिनेमाज इफ यू नॉट वॉच प्लीज मै एक्शोरी वो वॉच द फिल्म बिकॉज आई थिंक गुजराती को गुजराती सिनेमा को पहली बार सौ से ज़्यादा स्क्रीन्स दी गई है इन द थिएटर्स सो फॉर आस इट्स अ प्राउड मोमेंट मेक श्योर यू गो वॉच एंड लेट मी नो ऑल्सो के साथ yes. बहुत सारी चीजें चल रही है एंड इन क्रेडिबली वेल सबसे बड़ी ओपनिंग सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म फॉर दिस ईयर जमकुड़ी बनी है एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल के uh, प्रोड्यूसर्स ने मुझे चुना इसके लिए एंड uh, क्योंकि इन गुजराती सिनेमा दिस इज द फर्स्ट फिल्म फॉर मी आई होप यू गाइज लाइक इट वेन यू वॉच इट वी विल थैंक यू सो मच हाँ थैंक यू अच्छा लगा सो मच अब मैं जा है, ठीक है अब मेरा हो गया विराज एक और बाथरूम में आऊंगे बाथरूम में चलो, <laughs> चलो 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 थैंक यू सो मच सुनो एक और फिल्म कर हूँ. बाद बताऊंगा